नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक विषय लेकर। यह विषय है ग्रहों का तात्कालिक मैत्री। आज हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में तात्कालिक ग्रह मैत्री ज्ञान। प्रिय दर्शकों, आप सब ने पूर्व के कार्यक्रम में समझ लिया ग्रहों का नैसर्गिक ग्रह मैत्री, यानी ग्रहों का जो आपसी संबंध है स्वाभाविक रूप से वह कैसा है। आज हम समझेंगे जन्म कुंडली में ग्रहों का आपसी संबंध, जिसको कहते हैं तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक का मतलब ही होता है उस समय, उस काल के मैत्री, यानी जन्म कुंडली में ग्रह जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था में वह आपस में कैसा संबंध रखे हैं, उस चीज को समझेंगे। तो जो हमने कल पढ़ा नैसर्गिक ग्रह मैत्री, वो तो स्वाभाविक रूप से ग्रहों का आपसी संबंध है। आज का विषय है जन्म कुंडली में ग्रह बैठने के बाद आपस में कैसा संबंध है रखते हैं। इसके बाद पंचधा मैत्री चक्र होता है, जो कि स्वाभाविक और तात्कालिक इन दोनों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। स्वाभाविक ग्रह मैत्री, जिसको नैसर्गिक ग्रह मैत्री कहते हैं, वो तो सबके लिए हो गया। बिना कुंडली देखे ग्रहों की आपसी संबंध नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र हो गया। लेकिन जन्म कुंडली के फलादेश में तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र और नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र के संयोग से, तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र और नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र के द्वारा जो पंचधा मैत्री चक्र बनाई जाती है उसको देखना चाहिए। तो पंचधा मैत्री चक्र बनाने के लिए हमें तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र को भी समझना जरूरी है, इसलिए आज आप सभी के सम्मुख तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र लेकर उपस्थित हूँ। आप आज इस विषय को समझिए, और पूर्व में आपने नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र समझ लिया है, तो इस दोनों विषय को जब आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो अगले कार्यक्रम में मैं पंचधा मैत्री चक्र लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा, और आप तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों के सहयोग से पंचधा मैत्री चक्र को आसानी से समझ जाएंगे और उसका निर्माण कर लेंगे, उसको बना देंगे। तो आइए समझते हैं तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र की परिभाषा। प्रिय दर्शकों, इसमें आपको तीन स्टेप याद रखना है, इसमें आपको तीन सूत्र याद रखना है। पहला, जो ग्रह जिस ग्रह से दूसरे तीसरे चौथे और दसवें ग्यारहवें बारहवें भाव में हो वह उस ग्रह का तात्कालिक मित्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे हो, बारहों भावों में से किसी भी भाव में बैठे हो, उस भाव से अगला भाव यानी दूसरा भाव, फिर उससे अगला भाव तीसरा भाव, फिर उससे अगला भाव चौथा भाव, यानी तीन घर आगे और दस ग्यारह बारह यानी पीछे के तीन घर, यानी सूर्य जिस भाव में हो उस भाव से तीन घर आगे और तीन घर पीछे, इन छह भावों में जो भी ग्रह बैठे हो वो सूर्य के तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। चाहे वे स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से सूर्य के शत्रु ग्रह ही क्यों न हो, यदि जन्म कुंडली में सूर्य से तीन घर आगे या तीन घर पीछे बैठे हैं तो वह तात्कालिक मित्र कहलाएंगे सूर्य के। इसके बाद जो भाव बच गया, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा और नौवा और पहला भाव, इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं वो तात्कालिक शत्रु कहलाएंगे। एक बार आप पुनः सुनिए, जो ग्रह जिससे दूसरे तीसरे चौथे और दसवें ग्यारहवें बारहवें भाव में बैठा हो वह तात्कालिक मित्र है। और दूसरा सूत्र है, जो ग्रह एक ही राशि में बैठे हैं, जैसे जो दो ग्रह तीन ग्रह एक ही राशि में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, वे परस्पर शत्रु तात्कालिक शत्रु कहलाएंगे। इसके बाद तीसरा सूत्र है, वो है ग्रह परस्पर बैठे हो या नव पंचम भाव में बैठे हो, नवे भाव में या पांचवे भाव में बैठे हो या छठवे आठवें भाव में बैठे हो
या एक दूसरे से सातवें भाव में बैठे हों तो वे तात्कालिक शत्रु कहलाएंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। एक एक करके सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों के तात्कालिक मित्र को इस कुंडली के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य से। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य लग्न भाव में बैठा है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और कर्क राशि का सूर्य लग्न में बैठा है। तो सूर्य लग्न में है तो लग्न से तीन घर आगे, यानी एक दो तीन, यानी दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव। इन तीन भाव में, यानी आगे के तीन भाव में जितने ग्रह हो वो सूर्य के तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। और इसके बाद सूर्य से पीछे के तीन घर, यानी बारहवा भाव, ग्यारहवा भाव और दसवा भाव, इन तीन घरों में जो भी ग्रह बैठे हो वो सूर्य के तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। इसके बाद सूर्य के शत्रु, यानी तात्कालिक शत्रु कौन कहलाएंगे, तो सूर्य के साथ यदि कोई ग्रह बैठा हो, यानी इस जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ कोई ग्रह नहीं है, लेकिन यदि सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा होता, यानी इसी राशि में एक साथ बैठा होता, तो वह तात्कालिक शत्रु कहलाता। इसके बाद पांचवे, छठे, सातवें, आठवें और नौवे, इन भावों में यदि कोई ग्रह बैठा होता, जैसा कि यहां केतु बैठा है छठे भाव में, तो यह सूर्य का तात्कालिक शत्रु हो जाएगा। इसके अलावा भी जो भाव खाली हैं, इन भावों में यदि कोई ग्रह होता तो वह तात्कालिक शत्रु कहलाता सूर्य का। तो आइए हम क्रम से सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों का तात्कालिक मैत्री ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य, तो सूर्य से तीन घर आगे, यानी दूसरे ही भाव में प्राप्त हुआ बुध, गुरु, चंद्र, सूर्य के मित्र हो जाएंगे बुध, गुरु, चंद्र। पीछे भी तीन घर में शनि, शुक्र, राहु और मंगल हैं। तो सूर्य के मित्र हो जाएंगे बुध, गुरु, चंद्र, शनि, शुक्र, राहु और मंगल। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक बार पुनः फिर यह बात बताना चाहूंगा कि शनि और शुक्र सूर्य का स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, लेकिन सूर्य से तीन घर पीछे बैठने के कारण जन्म कुंडली में सूर्य के ये तात्कालिक मित्र हो गए। इसके बाद केतु छठवें भाव में बैठा है, और जैसा कि मैंने सूत्र में कहा, छठवें और आठवें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो वह शत्रु होगा, इसलिए सूर्य के तात्कालिक शत्रु हो गए केतु और बाकी सभी ग्रह मित्र हो गए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। क्रमशः हम ग्रहों को समझेंगे। चंद्रमा से तीन घर आगे और तीन घर पीछे देखना है। तो चंद्रमा से एक दो तीन, यानी केतु हो गए तात्कालिक मित्र, और बुध तीन घर पीछे, बुध, सूर्य, शनि, शुक्र और राहु हो गए तात्कालिक मित्र। चंद्र के साथ बैठे हैं गुरु। एक ही राशि में परस्पर दो ग्रह बैठे हों या दो से अधिक ग्रह बैठे हों, एक ही राशि में बैठे हों, तो वह तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। तो चंद्रमा के तात्कालिक शत्रु हो गए गुरु और मंगल, क्योंकि तीन घर के आगे हो रहे हैं मंगल। तो चंद्रमा से मंगल नवे घर में बैठे हैं, इसलिए तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र में मैंने बताया कि जो नव पंचम भाव में बैठते हैं वह तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध जन्म कुंडली में दूसरे भाव में है। तो बुध से तीन घर आगे और तीन घर पीछे जो भी ग्रह हो वो मित्र हो जाएंगे। तो बुध के मित्र होंगे गुरु और चंद्रमा, और सूर्य, शनि, शुक्र, राहु और मंगल, क्योंकि बुध से एक दो तीन घर पीछे ये सारे ग्रह हो गए और तीन घर आगे में गुरु और चंद्रमा आया। केतु हो जाएंगे तात्कालिक शत्रु। क्यों? क्योंकि ये बुध से तीन घर आगे से आगे हो जा रहे हैं, यानी एक दो तीन, तीन घर के आगे हैं, बुध से पांचवें घर में हैं, और जैसा कि कहा नौ पंचम भाव में बैठे ग्रह तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। अब बात करते हैं बुध के बाद गुरु की। तो गुरु जिस भाव में है उससे तीन घर आगे और तीन घर पीछे देखिए, और गुरु के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो हो जाएंगे तात्कालिक शत्रु। तो गुरु के तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे यहाँ इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा और मंगल, और बाकी सभी ग्रह हो जाएंगे मित्र, क्योंकि एक दो तीन यहाँ केतु मित्र हो जाएंगे, बुध भी मित्र होंगे, सूर्य भी मित्र, और शनि, शुक्र, राहु मित्र हो जाएंगे। तो गुरु के मंगल और चंद्रमा
शत्रु हो जाएंगे, तात्कालिक शत्रु। क्यों? क्योंकि गुरु से नवे भाव में बैठे हैं मंगल और चंद्रमा साथ में है। अब बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र से तीन घर आगे और तीन घर पीछे, यानी मंगल, सूर्य, बुध और गुरु और चंद्रमा सभी मित्र हो जाएंगे, और शनि, राहु और केतु ये हो जाएंगे तात्कालिक शत्रु। क्यों? क्योंकि सातवें घर में केतु बैठे हैं इसलिए शत्रु हो जाएंगे, और शनि और राहु शुक्र के साथ ही बैठे हैं, एक ही राशि पर बैठे हैं, परस्पर बैठे हैं, साथ बैठे हैं, इसलिए हो जाएंगे तात्कालिक शत्रु। शुक्र के बाद अब बात करें शनि की, तो शनि के भी साथ शुक्र और राहु हैं इसलिए वो हो जाएंगे तात्कालिक शत्रु, केतु हो जाएंगे तात्कालिक शत्रु, बाकी सभी ग्रह हो जाएंगे मित्र क्योंकि तीन घर आगे और तीन घर पीछे ही हैं। उसी प्रकार राहु की बात करें तो राहु के भी शनि और शुक्र हो जाएंगे तात्कालिक शत्रु क्योंकि साथ में है, और केतु भी तात्कालिक शत्रु, बाकी सभी ग्रह परस्पर मित्र हो जाएंगे। केतु की बात करें तो केतु से एक दो तीन, तीन घर आगे कोई नहीं है, तीन घर पीछे एक दो तीन गुरु और चंद्रमा है, तो केतु के जो तात्कालिक मित्र होंगे वो गुरु और चंद्रमा होंगे, बाकी सभी ग्रह तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप तात्कालिक ग्रह मैत्री समझ गए होंगे। अब आप जन्म पत्रिका देखकर तात्कालिक ग्रह मैत्री ज्ञात कर लेंगे। आपको सदैव यह तीन सूत्र याद रखना है कि जिस ग्रह का आप तात्कालिक मैत्री ज्ञात कर रहे हैं उस ग्रह से तीन भाव आगे और तीन भाव पीछे, यानी दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें, इन छह भावों में यदि कोई ग्रह बैठा है या जो भी ग्रह बैठा है वह उसका तात्कालिक मित्र होगा, और पहले भाव, प्रथम भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और नवा भाव, इन भावों में यदि कोई ग्रह है तो वह उसका तात्कालिक शत्रु कहलाएगा। यानी ग्रह परस्पर बैठे हो या नव पंचम भाव में बैठे हो, छठे आठवें में बैठे हो, या एक दूसरे से सातवें में बैठे हो, तो वह तात्कालिक शत्रु कहलाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं आप इस कार्यक्रम को समझ गए होंगे और अब आप आसानी पूर्वक यह ज्ञात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।